तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर स्टेटस देख रहे थे, तो आज हम वही स्टेटस क्रिएट करने वाले हैं। तो उसी स्टेटस को बनाने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है लाइट मोशन। तो उसको आप अभी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो लिंक एंड सब पूरी जो भी एपीके मोड वर्जन है वो सब कुछ मिल जाएंगे यहाँ पर। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप जाकर ये ऊपर जो पिन किया हुआ है वहाँ पर क्लिक करोगे तो लाइट मोशन मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप बने रहिए इस चैनल पर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओके गाइस, तो चलिए हम ओपन करते हैं इस लाइट मोशन को। एलाइट मोशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, वो एलाइट मोशन में इनपुट कर लेना है। अगर इनपुट करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर इंस्टा पर मैसेज कीजिए। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं, हम उस बीटमार्क को ओपन करते हैं। जो भी प्रोजेक्ट आप इसमें इनपुट करोगे उसको यहाँ पर ओपन करना है। ओके गाइस, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको रेड कलर में बीट लगी हुई मिल जाएगी। ओके गाइस, जो भी सॉन्ग है उसमें रेड कलर में बीट लगी हुई मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाने रहेंगे और फ़ोटो लगाने के लिए नीचे प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। मीडिया के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। फ़ोटो को, अगर फ़ोटो डाउनलोड करना चाहते तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाए, वहाँ पर आपको बहुत सारी फ़ोटो मिल जाएगी 4K HD में। ओके गाइस, तो फ़ोटो पर क्लिक कीजिए और इसे फुल स्क्रीन में करने के लिए ऊपर 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करना है और 5वें नंबर पर फिल कंपोजिशन एरिया मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक कर देना। ओके गाइस, उसके बाद आपको अगले बीट तक जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद आपको सेम प्रोसेस करना है, फिर से सेकंड फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है और तीर के निशान पर क्लिक करके कट कर देना है। तो हमको सारी फ़ोटो ऐसे ही लगा लेना है। ओके गाइस, तो मैं आपको जल्दी से लगा के बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी फ़ोटो में ये वाला फ़ोटो लगा दिया सारे बीट मार्क में। तो आप देख सकते कुछ इस तरह से लगा दिया मैंने। अब इसमें हमको इफेक्ट लगाना रहेगा, तो इफेक्ट लगाने के लिए हमको बैक चले जाना है। ओके गाइस, जो भी मैंने सेक इफेक्ट बाई रॉयल शिवराज के नाम से इफेक्ट दिया है उसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट मिलेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली लेयर पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है। ओके गाइस, यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको बैक चले जाना है। ओके गाइस, बैक जाने के बाद वही बीट मार्क को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको तो गाइस वो इफेक्ट हमको कॉपी करके लाने के बाद हमको यहाँ पर सेकंड फोटो दिख रही है, फर्स्ट फोटो कर छोड़ना है और जो भी छोटी लेंथ की फोटो दिख रही है उस पर ये वाला इफेक्ट पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए आपको फोटो पर क्लिक करना है और उसके बाद इफेक्ट पर क्लिक करना है और 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर क्लिक करके आपको पेस्ट कर देना है। ओके गाइस, उसके बाद हमको फिर से एक फ़ोटो छोड़ना है और 2 फोटो पर ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर लेना है। दोस्तों, वॉइस अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर कुछ फेस्टिवल चल रहा है साइड में। ओके गाइस, तो मेरी वॉइस थोड़ी सी अलग आ रही होगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ओके गाइस, मैं आपको जल्दी जल्दी से करके बता देता हूँ, आप अच्छे से वीडियो देख लीजिए अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो। ठीक है, मैं आपको जल्दी से लगा के बता देता हूँ। ओके गाइस, तो गाइस मैंने यहाँ तक ये वाला इफेक्ट लगा दिया, जितनी भी 2-2 फोटो आ रही है छोटी फोटो वहाँ इन पर लगा दिया। उसके बाद ये जो छोटी लेंथ की आ रही है इन सारी फ़ोटो को छोड़ देना है गाइस, और बड़ी लेंथ वाली को भी छोड़ना है। उसके बाद फिर से सेकंड 2 फोटो आएगी उन पर ये वाला इफेक्ट लगा देना। तो मैं और आपको लगा के बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ओके गाइस, तो वीडियो पर बने रहे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ओके गाइस, तो हमने सारी फ़ोटो पर लगा लिया है, उसके बाद आपको बैक चले जाना है। ओके गाइस, बैक जाने के बाद फिर से वही इफेक्ट को ओपन करना है, सेक इफेक्ट बाय रॉयल शिवराज को। और ओपन करने के बाद आपको सेकंड फ़ोटो पर क्लिक कर देना है, सेकंड फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद इफेक्ट को कॉपी कर लेना है यहाँ से। ओके गाइस, यहाँ से हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आपको फिर से बैक आना है और वही बीट मार्क बाई रॉयल शिवराज को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए और फर्स्ट फ़ोटो मिल रही है इस पर क्लिक करना है, फर्स्ट फ़ोटो पर, और इफेक्ट पर क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है।
ओके गाइस, तो कुछ इस तरह से ये इफेक्ट हमारा लग जाएगा। उसके बाद हमको ये दो फोटो छोड़ना है जो हमने इफेक्ट लगा लिए इन पर। उसके बाद फिर से थर्ड फोटो पर क्लिक करना है और ये वाला इफेक्ट लगा देना। फिर हमको दो फोटो छोड़ देना है गाइस, और जो भी बड़ी लेंथ की फोटो आ रही है उन पर लगा देना है। तो मैं आपको जल्दी से लगा के बता देता हूँ, आप भी ऐसे ही लगा लेना है। ओके गाइस, फिर से हम दो फोटो छोड़ेंगे, ये और ये। फिर थर्ड फोटो पर ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर लेंगे, तो आप भी ऐसे ही लगा लीजिए। ओके गाइस, और वीडियो में जो भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कीजिए। ओके गाइस। लगा दिए और उसके बाद जो भी छोटी लेंथ की फोटो आ रही है इनको छोड़ना है, और उसके बाद जो बड़ी लेंथ की फोटो आ रही है इसको भी छोड़ देना है। ओके गाइस, फिर दो फोटो छोड़ना है और उसके बाद जो बड़ी लेंथ की फोटो आ रही है उस पर लगा देना है। तो ऐसे आपको जितनी भी बड़ी लेंथ की फोटो मिल रही है उस पर लगाना है, बाकी की जो छोटी लेंथ की, सबसे छोटी लेंथ की आ रही है उसको छोड़ना है, और एक ये इधर बड़ी लेंथ की आ रही है। ओके गाइस, एक ये छोड़ना है और इससे आगे ये जितनी भी इधर फोटो आ रही है उनको छोड़ना है। तो इस फोटो पर हमको ये दूसरा इफेक्ट लगाना है, तो उसके लिए बैग चले जाना है और सेक इफेक्ट बाई रोल सूरज को ओपन कर देना है। ओके गाइस, ओपन करने के बाद आपको थर्ड में आ जाना है, जो थर्ड नंबर की फोटो है उस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है और कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ओके गाइस, कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको फिर से बैग जाना है और वही प्रोजेक्ट ओपन करना है, बीट मार्क वाला। उसको ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए और इधर स्वाइप कीजिए जिधर भी अपनी एक फ़ोटो रह गई है। ओके गाइस, तो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से हमारी एक फ़ोटो रह गई है। तो यहाँ इसके बाद हमारी जो ये फ़ोटो है इस पर ये वाला इफेक्ट लगेगा, तो आप देख लीजिए ये इसकी लेंथ सबसे बड़ी है, तो इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ओके गाइस, उसके बाद आपका सेटअप बन के तैयार हो गया और ये वाले फ़ोटो है इनमें एक भी इफेक्ट नहीं लगाना है। ओके गाइस, तो उसके बाद आपको सेव करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको सेव कर लेना है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।